नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विकेडी न्यूज झारखंड और मैं पप्पू यादव भारती। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था और उस दिन कोलकाता से पहली फ्लाइट की शुरुआत हुई थी। कोलकाता से देवघर उड़ करके पहली फ्लाइट आई थी, लेकिन 30 जुलाई को दिल्ली से पहली कॉमर्शियल फ्लाइट दिल्ली से टेकअप करके देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। और यह फ्लाइट कई मायनों में खास है, क्योंकि भोजपुरी फिल्म के 3 सुपरस्टार रवि किशन, निरहुआ और मनोज तिवारी, जो भाजपा के सांसद भी हैं, ये तीनों पहली फ्लाइट में देवघर आ रहे हैं। साथ में खबर ये भी है कि कई बड़े बड़े उद्योगपति भी इस फ्लाइट में देवघर आएंगे। साथ में स्थानीय गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी इस फ्लाइट में ही देवघर आएंगे। तो कई मायनों में 30 जुलाई काफ़ी खास है, और 30 जुलाई को जो फ्लाइट देवघर आ रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस फ्लाइट को इंडिगो की 6E6191 जो फ्लाइट है, वो 1 बजे दिल्ली से टेकअप करके 2:45 में देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इस फ्लाइट को भाजपा के सांसद, जो छपरा के सांसद हैं राजीव प्रताप रूड़ी, वो उड़ा करके देवघर लेकर के आएंगे। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि सावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवघर बाबा मंदिर में पूजा करने आते हैं, और सावन में कई तरह के बदलाव किए जाते हैं। जब से 2015 में श्रावणी मेले में भगदड़ मची थी और 11 कांवरिया की मृत्यु हुई थी और करीब 50 से अधिक कांवरिया घायल हुए थे, तो तब से देवघर में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। साथ में अर्घा सिस्टम 2013 में पहली बार इस सिस्टम को शुरू किया गया था और 2015 में VIP, VVIP और आउट ऑफ टर्न पूजा जो है वो पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। साथ में एक बड़ा बदलाव जो हुआ है, शीघ्र दर्शनम कूपन सामान्य दिनों में 250 रुपये में मिलता है और सावन महीने में वो 500 का हो जाता, लेकिन सावन महीने के प्रत्येक शनिवार, रविवार और सोमवार भीड़ को देखते हुए शनिवार रविवार को यह बंद रहता है और किसी तरह का पास की बिक्री नहीं होती है। पास के माध्यम से कोई भी मंदिर प्रवेश नहीं करते हैं, और सोमवार को तो पूरी तरह से बंद रहता ही है। साथ में एक और भी खास बात है कि सावन माह में अर्घा सिस्टम भी लग जाता है। अर्घा के माध्यम से श्रद्धालु जलार्पण करते हैं। सुगम जलार्पण के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये माननीय सांसद और उद्योगपति लोग जो भी 30 तारीख को आ रहे हैं, 1 तारीख को तीसरी सोमवारी है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि माननीय सांसद जो भी आ रहे हैं, रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे, राजीव प्रताप रूड़ी, और खबर ये भी है कि शाहनवाज हुसैन भी 30 तारीख को देवघर आ रहे हैं, तो ये सभी सांसद सामान्य श्रद्धालुओं की तरह पूजा करेंगे या VIP सुविधा की मांग करेंगे। और इसमें हम लोगों ने जो राज्य सरकार सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो निर्देश दिए, जो 2015 से चल रही है, वो किसी तरह का भी VIP, VVIP आउट ऑफ टर्न दर्शन नहीं करना, ताकि आम श्रद्धालुओं का जान माल की सुरक्षा रहे और किसी तरह का असुविधा ना हो, उसका शत प्रतिशत यहाँ अनुपालन किया जा रहा है।